अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं ज़ारा ब्यूटी फेशियल का रिव्यू शेयर करूंगी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसके रिजल्ट भी अमेजिंग है जो कि आपको इस वीडियो क्लिप में भी नज़र आ रहे होंगे। डिटेल से मैं आपको बताती हूं कि इसको कैसे करना है, इसके रिजल्ट आपको इतने अमेजिंग कैसे मिलेंगे। सो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है ज़ारा ब्यूटी फेशियल की फुल रेंज। सबसे पहले इसमें आता है वाइटनिंग फेस वाश, देन इसमें आता है वाइटनिंग फेशियल क्लींजर, देन वाइटनिंग एक्सफोलिएटर, उसके बाद रिलैक्सिंग क्रीम, फिर इसमें आता है फेशियल मास्क, और उसके बाद आप इनकी स्किन पॉलिश अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज़ारा ब्यूटी वाले क्लेम करते हैं इनका ये कम्प्लीट फेशियल ऑर्गेनिक है और ये ऑल स्किन टाइप है, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें इन्होंने वाइटनिंग एजेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हैं जिससे आपको बाकी फेशियल की निस्बत बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा। इस फेशियल की एप्लीकेशन बड़ी आसान है, जार बोतल में नहीं आता, ट्यूब में आता है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आता है और अमेजिंग रिजल्ट के साथ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने इस फेशियल को कैसे करना है घर में ही। और सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनका वाइटनिंग फेस वॉश जिसमें पोमेग्रेनेट यूज़ किया गया है जो कि आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है और ये आपकी स्किन से ऑयल को कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, ऑयल और डर्ट को आपके फेस से बड़े अच्छे से क्लीन करता है। इसको आपने 2-3 मिनट्स तक फेस पे मसाज करना है, देन अपने अपने फेस से इसको रिमूव कर लेना है। देन सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, यहाँ पे इनका विटामिन सी फेशियल क्लींजर है जो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, एंटी एजिंग है और यह हेलुरोनिक एसिड को कंटेन करता है, आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। उसके अलावा आपकी स्किन को लिफ्ट नहीं होने देता, डलिंग जो इम्प्योरिटी आपके फेस पे आ जाती है उसको बड़े अच्छे से रिमूव करता है। इसको फेस पे लगाने के बाद आप 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें ताकि आपके फेस की अच्छी तरह से क्लींजिंग हो जाए। उसके बाद इसको आप किसी भी फेशियल स्पंज की हेल्प से इसको रिमूव करें। इस क्लींजर से क्लींज करने के बाद आपकी स्किन बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है, फ्रेश सी फील होती है। देन आपने यहाँ पे इनका एक्सफोलिएटर यूज़ करना है जिसको आप स्क्रब भी कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत ब्रिक ब्रिक से पार्टिकल यूज़ किए गए हैं जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते, तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बड़े अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर लेता है, डीप क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पर ग्लो लेके आता है, ब्लैक हेड्स डार्क स्पॉट को ये बड़े अच्छे से आपकी स्किन से रिमूव करता है, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को ये रिमूव करता है। आपने इसको फेस पे लगाने के बाद हल्के हाथों से 4 से 5 मिनट तक मसाज करना है, देन इसको अपने फेस से रिमूव कर लेना है। इस स्टेप के बाद आपकी स्किन में आपको थोड़ी थोड़ी वाइटनिंग फील होना स्टार्ट हो जाएगी। देन आप यहाँ पे वाइटनिंग रिलैक्सिंग क्रीम यूज़ करेंगे जो आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, रीन्यू करेगा। इसमें स्वीट आलमंड्स ऑयल और विटामिन ई, सी और B5 यूज़ किया गया है जो कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट और एक्ने स्पॉट को लाइट करता है, आपकी स्किन को रिलैक्स करता है, आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद इसको 4 से 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप इसको अपनी स्किन से रिमूव कर लें। फिफ्थ स्टेप पे आप चाहे तो इनका फेशियल मास्क यूज़ कर लें या इनकी स्किन पॉलिश यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे इनकी स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इनका 20 वॉल्यूम क्रीम यूज़ करूँगी और 1/2 टीस्पून इनका ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करूँगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ब्लीचिंग पाउडर आप अपनी स्किन के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अच्छा, इनकी स्किन पॉलिश की अच्छी बात यह है कि ये कम्प्लीटली तैयार की गई है। इसके जो वॉल्यूम है इसके अंदर इन्होंने स्किन शाइनर, स्किन पॉलिश और सूथिंग लोशन वगैरह ऐड किया है। आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये आपकी स्किन में बड़ा अच्छा सा इफेक्ट देती है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें। इसका ब्लू सा कलर है। अप्लाई करने के बाद इसको आप 15-20 मिनट तक छोड़ दें, देन आप हल्के हाथों से 4-5 मिनट तक मसाज करें अपनी स्किन पे और देन फिर आप इसको रिमूव कर लें अपनी स्किन से। इस स्किन पॉलिश की अच्छी बात यह है कि आपके ये हेयर्स को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करता जिससे आपको अजीब फील हो, ये बड़ा नेचुरल सा इफेक्ट देता है आपकी स्किन पे, आपके फेशियल हेयर को बहुत लाइट सा ये गोल्डन करता है, बड़ा अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट आपके फेस पे देता है। उसके बाद हम यहाँ पे वाइटनिंग फेशियल मास्क यूज़ करेंगे इनका जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, आपके पिंपल्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा, फाइट स्पॉट है ये और ये आपकी स्किन से जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेगा। उसके अलावा आपकी स्किन को नेचुरली तौर पर ये मिनरल प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी। इसको अप्लाई करने का मेथड भी डिफरेंट है, आपने बाकी फेशियल मास्क की तरह इसको फेस पे अप्लाई करने के बाद छोड़ना नहीं है। इसको लगाने के बाद आपने 5-7 मिनट तक मसाज करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में और देन आपने इसको अपनी स्किन से रिमूव कर लिया। यहाँ हमारा आसानी से घर में ही फेशियल कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितनी अमेजिंग है, कितना प्यारा इसने वाइटनिंग इफेक्ट दिया आपकी स्किन में। ज़ारा ब्यूटी वाले क्लेम करते हैं कि 24 आवर्स के बाद की आपकी स्किन की वाइटनेस को और बढ़ाएगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इनके पेज पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया। ज़ारा ब्यूटी का एक वाइटनिंग एजेंट फेशियल भी है जो कि उसी तरह की ट्यूब बोतल में आता है, 3-in-1 है। इसमें फेस वॉश, स्क्रब और मास्क यूज़ किया गया है, आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, ग्लोइंग करता है आपकी स्किन को और एक्सेसिव ऑयल को आने से ये रोकता है। इसका रिव्यू भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।